अमोर थाना से महज 100 कदम की दूरी पर स्थित स्टेट बैंक अमोर शाखा से 25,000 रुपये निकालकर चाय पीने गए शिक्षक के डिक्की खोलकर दो उचकों ने रुपये समेत बैग लेकर फरार हो गया। घटना की लिखित सूचना पीड़ित शिक्षक मोहम्मद मुश्ताक आलम ने अमोर थाना को दी है और उचित कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। इस संदर्भ में शिक्षक मोहम्मद मुश्ताक आलम ने बताया कि वह प्राथमिक विद्यालय भोकरी पूरब टोला का प्रभारी प्रधानाध्यापक है और गुरुवार को दोपहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अमोर शाखा से विद्यालय शिक्षा समिति मद का 25,000 रुपये को निकालकर बैग में रखकर डिक्की में रखा था और थाना के बगल में स्थित मुनाजिर होटल के बाहर में मोटरसाइकिल लगाकर चाय पीने के लिए होटल में चला गया। चाय पीकर जब वह अपने गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा गाड़ी की डिक्की खुली हुई थी और डिक्की में रखे बैग गायब थे। बैग में नगद 25,000 रुपये सहित स्कूल का पासबुक एवं अन्य कई जरूरी कागजात भी था, जिसे उचक के लेकर फरार हो गए। काफी खोजबीन करने के बाद भी पता नहीं चल पाया है। वहीं मुनाजिर होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों उचक्के को डिक्की खोलकर रुपये से भरा बैग लेकर फरार होते हुए देखा जा रहा है। साथ ये हुआ कि हम आए थे बैंक, स्टेट बैंक, वहाँ से जो है कि 25,000 टका निकाले और वो बैग मेरा साथ में था, बैग में पैसा रख दिए, बैग में कागजात वगैरह सारा चीज बैगे में था, वो डिग्गी में हम बैग रख दिए। अच्छा, तो वहाँ से मुनाजिर का दुकान पर आए, वहाँ चाय पिए, चाय पी करके जो है कि बगल में गए पान खाने के लिए। इसका बीच में जो है कि वो दो लड़का आया गाड़ी में, पल्सर गाड़ी में था, एक लड़का जो है कि उतरा और अपना चाबी से जो डिक्की खोल करके वो बैग लेके जो है कि निकल गया। बैग में क्या क्या चीज़ था? बैग में चेक बुक है, पासबुक है, हमारे कागजात वगैरह हैं, सारा चीज़ बैगे में है। कौन सा पैसा था, किस स्कूल में है? BSS का खाता पैसा था। किस स्कूल में पदस्थापित है? भोकरी पूरब टोला। अरे भैया वो सब तो क्या वारदात कहाँ है, कैद हुई है सीसीटीवी में? वारदात कैद है सीसीटीवी में। किसके दुकान में? मुनाजिर का दुकान है।